नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीन ने पीछे से हमला किया, भारत के जवान शहीद हो गए, अब बदले की तैयारी हो रही है। लेकिन आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे भारत के साथ दुनिया के बड़े देश आ चुके हैं, कैसे अब चीन डरा डरा सा घूम रहा है और उसे समझ में आ चुका है कि अब उसकी एक नहीं चलेगी। चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया, क्योंकि चीन की फितरत पीठ पर छुरा घोपना है। लेकिन इस बार जो भारत के साथ चीन ने किया, इसके बाद उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि दुनिया के 5 बड़े देश अब भारत के साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका भारत का पहले से ही अच्छा मित्र रहा है, और जैसे ही चीन ने भारत के ऊपर यह हमला किया तो चीन को अमेरिका ने फटकार लगा दी और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि वह दोनों देशों की स्थितियों पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे। दूसरे नंबर पर नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मोदी को अपना अच्छा मित्र मानते हैं और वो हमेशा मोदी से बातचीत भी करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही COVID-19 को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोदी से बात की थी, और अब जैसे ही चीन ने गंदी हरकत की तो ब्रिटेन ने भी बोल दिया कि हमारी भारत और चीन के हालात पर नजर है, भारत और चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं, हिंसा से किसी को फायदा नहीं होगा। नंबर 3, कनाडा। जैसे ही भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ, उसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने एलईसी की स्थिति पर चर्चा की। कनाडा के पीएमओ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले आपको याद होगा कि कनाडा COVID-19 की मार से ज्यादा प्रभावित हुआ है, और इसीलिए भी वो चीन से बदला लेना चाहता है। नंबर 4, इजराइल। कोरोना की वजह से इजराइल चीन को कई बार चेतावनी दे चुका है, और इसी के चलते इजराइल के पीएम ने अप्रैल के महीने में भी पीएम मोदी से बात की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि मेरे मित्र नेतन्याहू के साथ चर्चा की, COVID-19 के बाद के विश्व में भारत और इजराइल किस प्रकार से गठजोड़ कर सकते हैं। यानी कि साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल भी पीएम मोदी का मुरीद है। नंबर 5 पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। स्कॉट मॉरिसन और मोदी हर मसले पर बातचीत करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बात हुई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने मॉरिसन को परिवार सहित भारत आने का न्योता भी दिया था। साथ ही स्कॉट मॉरिसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया था। उस वक्त भी दोनों ने चीन के मसले पर बात की थी, और ये संकेत है चीन के लिए कि संभल जाओ, वरना अंजाम क्या होगा वो शायद चीन की सोच में भी नहीं होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत के साथ अमेरिका भी है, इजराइल भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और चीन के साथ नेपाल है, पाकिस्तान है। समझा जा सकता है कि भारत की ताकत के आगे अब चीन डरा डरा सा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।